हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे सीएसआईआर नेट जून 2024 का। क्वेश्चन है हमारा रियल एनालिसिस से, और रियल एनालिसिस में भी हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी से ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में जो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मॉडुलस हो या फिर कुछ ब्रैक वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमारे अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग डेफिनेशन रखते हैं, वो सभी इसी टाइप से होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, हमारा जो ये फंक्शन दिया है इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मोड एक्स। क्या फंक्शन दिया है? मोड एक्स। मोड एक्स हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव नंबर्स पे ये एक्स होता है एंड नेगेटिव नंबर्स पे क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्स। तो इसे हम खोल ओपन करते हैं कि ये हो गया जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी पॉजिटिव है, तो एक्स मोड एक्स की वैल्यू भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एंड जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव ऑफ एक्स होगा, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन होता है, हमें पता है ये टर्म भी कॉन्टिन्यूस है, ये टर्म भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। अब देखना कहाँ है हमें, सिर्फ जीरो पे देखना कहाँ है हमें, सिर्फ जीरो पे। यदि जीरो पे ये दोनों टर्म्स पे वैल्यू सेम आ जाती है तो फंक्शन हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूस। तो आप देख ही पाएंगे कि जीरो पे जो वैल्यू है, जीरो पे इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है ना। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया एट जीरो, और बाकी सब जगह तो है ही। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूस ओवर आर सही है। सेकेंड डिफ्रेंशियबिलिटी पे बात कर रहा है, और ये तीनों हमारे डिफरेंशियबिलिटी पे बात कर रहे हैं। इसके आगे जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ये तो हमारा क्या है, एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे, यहाँ इसे अलग से हम डिफरेंशिएट किया 2x, और कहाँ पे है x ग्रेटर देन 0 पे, एंड ये हो गया नेगेटिव ऑफ 2x x लेस देन 0 पे। अब यदि वही ये डिफरेंशिएबल ये भी है, और सॉरी कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो अब हम जीरो पे यदि इसकी वैल्यू सेम आ जाती है दोनों की, तो ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और वही जीरो पे इसकी भी वैल्यू जीरो है, सेम वैल्यू रख रहे हैं दोनों, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी कि एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, और हम कह देंगे कि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। और ये क्या है, एफ का डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि एफ है वो डिफरेंशिएबल हो गया। कहाँ पे, जीरो पे। जीरो पे क्या हो गया, एफ जो फंक्शन है वो जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह तो है लेकिन जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है ये हमारा फंक्शन। तो ये हमसे यही पूछ रहा है, डिफरेंशिएबल ऑन आर, आर पे है क्योंकि बाकी सब जगह है, और जीरो पे हमने चेक कर लिया पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हो गया। थर्ड कह रहा है डिफरेंशिएबल ओनली एट जीरो। अब ये ओनली वर्ड ने दिक्कत कर दी, ये इसका मतलब हो गया कि जीरो पे ही है और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत। और ये तो गलत है, ये बोल रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये इस तरह से हम चेक करेंगे। अब इसके आगे यदि एफ डबल डैश, एफ डबल डैश के बारे में यदि हम चेक करते, क्वेश्चन में नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ कि f डबल डैश चेक करते तो वही इसका और इसका करते दोबारे से 2 एंड माइनस 2, और x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। अब 0 पे वैल्यू दोनों की सेम नहीं आती, तो यहाँ से हम कह देते f डबल डैश डिफरेंशिएबल है लेकिन कहाँ, 0 पे नहीं है। कहाँ नहीं है, 0 पे नहीं है वो, बाकी जगह पूरे r में 0 को छोड़ के सभी जगह डिफरेंशिएबल है। इसी तरह इसके आगे जब हम करेंगे तो ये सारी टर्म्स जीरो जीरो आती चली जाएंगी, इसके आगे के सारे डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन, तो एफ के सेकंड डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी सभी डेरिवेटिव्स जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूस है, तो हम कह देंगे यहाँ से हमारे क्वेश्चन तो हो गया है, और इसी तरह हम आगे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। ओके।